ये आज तक कोई नहीं बोला था कि डायबिटीज भी रिवर्स होता है, मतलब ये लाइफ टाइम बना रहेगा, दवाई खाते रहो, यही सब कुछ समझाया था। अभी बीमारी ठीक हो गया तो 10 आदमी पूछता है कि मतलब बीमार हो गया। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज वापस हम आपके साथ में चर्चा कराने वाले हैं नवीन सिंह जी की, और नवीन सिंह जी का जो डायबिटीज रिवर्सल का पहला हमने वीडियो आपके सामने लेकर के आया था वो था जनवरी बिगनिंग का। 4 जनवरी के आसपास इन्होंने अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया था, जिसमें इनको कंफर्म हुआ कि इनकी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है, और उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर शेयर कर रहा हूं। तो आज वापस हम इनसे आपकी चर्चा करवा रहे हैं। बेसिकली तब इन्होंने इंटरव्यू किया था, तब बिहार से थे, और आज ये सिक्किम अपने वर्क प्लेस पर पहुंच गए हैं, वहां से इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका मेरे को फोन आया, इन्होंने कहा भाई मिठाई में क्या खा सकते हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल जलेबी खाओ आप, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बोला कि मैं खा लूं, रियल में खा लूं, तो मैंने कहा खाओ, और फिर जलेबी खा करके आपका चाहिए तो टेस्ट करो। तो डायबिटीज के रिवर्सल के बाद में उनकी कैसी लाइफ है और क्या एक्सपीरियंस है, आइए आज उन्हीं से जानते हैं, जिससे कई मरीज जो बोलते हैं कि साहब एक बार रिवर्स हो गया तो फिर हमारी लाइफ कैसी रहेगी, उसके बारे में बताइए। तो आज उन्हीं के मुंह से जानकारी लेते हैं जिससे आपको मदद मिले। प्लीज नवीन जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, डायबिटीज रिवर्सल के पहले का भी और बाद का भी। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार आपको धन्यवाद। भी सर। और वही रिपीट करूंगा सबसे पहले कि वीडियो से पहले वाला जो रिपीट करूंगा, जैसे कि फर्स्ट डॉक्टर जो आप मिले कि पहले बोले कि डायबिटीज रिवर्स होता है, दवाई खाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप ही के गाइडलाइन से ये सफर चालू हुआ और आजकल इतना आगे बढ़ गया कि हमको खुद विश्वास नहीं होता है कि सच में ऐसा हो सकता है और हुआ। सही बात। इतना आपका सपोर्टिंग स्टाफ और आप इतना सपोर्टिंग हैं, तो डायबिटीज में अभी जो अभी और पहले में मुझे कोई अंतर नहीं दिखा। खाना जो हम जो घर में है वही खा रहे हैं, मतलब फल फ्रूट साग सब्जी पूरा जम के खा रहे हैं जितना खाना चाहिए। बराबर। मेरा डाइटिंग में को अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में जैसे कोई लगता है कह रहे वो भात चावल खाना ही मेन इम्पोर्टेंस है, हाँ उसको छोड़ना चाहिए। बराबर। हाँ जहाँ रोटी और चावल कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, आपका शुगर बराबर। लेवल एकदम नॉर्मल होना चालू हो जाता है। जो आपका डायलॉग है, कार्बोहाइड्रेट घटाते जाओ और शुगर को भगाते जाओ। सही बात है। एक्चुअली हुआ क्या है मालूम है नवीन जी, अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन की गाइडलाइन आई है 1980 में, और ये हमारे दिमाग में बैठा दिया गया उसी समय कि अगर आप फैट ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है। तो इस चक्कर में हुआ क्या, फैट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कार्बोहाइड्रेट से। तो आप जी रोटी सर, खाओ घी मत लगाओ, आप चावल खाओ उसमें घी मत डालो, मतलब हर चीज में घी को ऐसा विलेन बना दिया। और जब आप घी के साथ में खाते हैं ना तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका पेट जल्दी भरता है, और जब जी आप प्योर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना तो आपको जल्दी भूख लगती है। तो जल्दी क्या हो भूख। गया, 3 की जगह पे लोगों के 6 मील हो गए, और कार्बोहाइड्रेट काफी डाइट में बढ़ गया जो डायबिटीज और मोटापे का कारण बना। तो अब आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आप नॉर्मल डाइट लेते हैं फिर भी आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती। जी तो सर, आपने पिछले दिनों में जो मेरे को फोन किया, आपने दोबारा से अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दोबारा किया, उसके पीछे की क्या कहानी है मैं भी समझ नहीं पाया। मैंने तो बोला कि भाई आप जलेबी खाओ और दोबारा कर लो, कुछ शक एक्चुअली होता है तो। क्या हुआ, जैसे कि अब शुगर पेशेंट है आदमी, डायबिटिक था तो मीठा खाने का इच्छा तो करता ही है। सही बात है। दो रीजन है, एक तो बॉडी जिसको मना करे कोई भी चीज वो जल्दी डिमांड करता है, बराबर। हाँ मीठा बंद कर तो मीठा ज्यादा डिमांड करता है, हाँ जो भी चीज मना करे उसको ज्यादा डिमांड करता है, सही और बात, मीठा भी चाहिए बैलेंस के लिए मतलब शरीर में। तो सही बात है। हमने सोचा कि ग्लूकोज जो पी ही रहे उसके बदले और कोई मिठाई हो जाए, तो हमको हाँ आपको मैसेज किया कि सर ग्लूकोज के बदले, 80 ग्राम ग्लूकोज के बदले कोई ऐसा मिठाई बजाय जो मीठा खा ले, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, कुछ भी हो। सही बात है। तो आपने बोला कि जलेबी खाए 75 से 100 ग्राम तक। हमको बराबर। बड़ा मन में खुशी हुआ कि चलो जलेबी खाने मिलेगा आज। बढ़िया। तो फिर हम गए जलेबी हाँ खरीद के लाए सुबह सुबह ही, और पूरा 100 ग्राम क्वांटिटी, वो बोला क्वांटिटी के हिसाब, हम बोला कि नहीं 100 ग्राम ही चाहिए, जितना चढ़े उतना चढ़ा दो, पैसा बराबर। हाँ लेना है पूरा ले। तो हाँ हाँ 100 ग्राम जलेबी पूरा खाए। हाँ जब 100 ग्राम जलेबी खा के हम लैब में टेस्ट करवाने गए, 2 घंटे में, ठीक 2 घंटे में, बराबर।
उसका रीडिंग आया था 85.8, माने 86 मान लीजिए। हाँ लेकिन उसके बाद जो घर में आए तुरंत बाद, तो मैंने अपना ग्लूकोमीटर से जब चेक किया तो उसने रीडिंग कुछ ज्यादा बता दिया। तो हम बोले कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया फिर, या तो लैब लैब में है या कि ग्लूकोमीटर में, मतलब हमको टेंशन हो, गड़बड़ थोड़ा सा डाउट हो गया। फिर अब हम हो आपको मैसेज किया कि सर क्या करना चाहिए, गया। तो फिर आप बोले कि अरे तो फिर मैंने कहा जलेबी एक कहाँ बार दोबारा करो जलेबी बराबर। जलेबी कहाँ भागे जा रहा है, और आप भी वही हो, जलेबी फिर हाँ खाओ और फिर सही कर लो, बात, क्या दिक्कत है, मतलब क्या दिक्कत है, सही बात डाउट नहीं रहना चाहिए, आप बोले सही ये। बात तो सही बात सही बात। मैंने बोला कि हाँ ये भी सही बोल रहे। हाँ तो हाँ मैंने क्या किया, 16 तारीख का फर्स्ट रिपोर्ट था जलेबी वाला, फिर बराबर। तो उन्नीस तारीख उस दिन जो आपका ज्यादा आया था ब्लड सैंपल देने के बाद में, ब्लड सैंपल में मार्केट में तो आया आपका 83, पर घर में कितना आया था फिर? 86 आया था वो लैब में, 86 लैब में, और घर जी में सर, कितना आया आपके ग्लूकोमीटर से उस दिन? घर में आ गया था 140 सर, ओहो, तो उसी के लिए मैंने आपको बोला था कि एक बार दोबारा कर लो, मन में डाउट जी आता है। सर, जी। बराबर, फिर आपने हमको भी कैसे बोला कि किया? 10 10 12 पॉइंट ठीक है, लेकिन 55 से ऊपर मतलब रीडिंग बता सही रहा है, तो बात मतलब हमको सही टेंशन हो बात गया। बराबर तो आप बोले कि हाँ फिर कर लो, क्या दिक्कत है। तो सही बात। फिर हमने गया, आप बोले कि जीटीटी मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस रेशियो होता है, ग्लूकोज ही पीना है, चले हम ग्लूकोज ही पीते, जलेबी छोड़ ही देते बिल्कुल। हैं। हाँ, बराबर तो 80 ग्राम पूरा, 75 नहीं, 80 ग्राम पूरा ग्लूकोज पिए, फिर और कितना क्या रीडिंग था? ग्लूकोज पी के लैब में, दूसरा लैब में टेस्ट कर रहे थे कि डाउट मुझे 1% में ना रहा है, तो उसका रीडिंग आया 92। फिर ओके, और आपके उसके बाद ग्लूकोमीटर में? मशीन में आया, मशीन में नापने के लिए, मतलब मेजरमेंट करने के लिए आ गया, तो हाँ उसका आया 94। चलो बढ़िया, मतलब दोनों के अंदर आपने क्रॉस चेक कर लिया। फिर हाँ देखो होता है कभी कभी ग्लूकोमीटर के अंदर आगे पीछे हो जाता है, और कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, तो उसको डबल क्रॉस कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। और कई लोगों की जब इस तरह की रीडिंग आती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपने मीटर को कैलिब्रेट कर लो। मार्केट में जब आप देते हैं पैथोलॉजी लैब में सैंपल, तो उसी समय अपनी ब्लड शुगर एक बार वापस से चेक कर लें अपने मीटर से भी, और क्रॉस चेक कर लें दोनों रीडिंग्स को, तो आपको एंश्योर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अब खाने पीने में आपका क्या हाल चाल है, कैसे क्या खा पी रहे हैं, वो भी थोड़ा बता दीजिए लोगों को। सर, मैं अभी भी मतलब उतना कम, जैसे कि इसलिए कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, जैसे कि कोई बोलता है कि आप क्या डायबिटीज रिवर्स कर लिए, तो आप क्या नॉर्मल खाना खा के दिखाओ, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, नॉर्मल खाना क्या होता है आप बताइए, आज का डेट में हम जो खा रहे वही नॉर्मल है, सही बात, पहले जो खाते तो वो एबनॉर्मल था, वो अब इसलिए नॉर्मल बीमारी था हुआ, जिसके कारण डायबिटिक हुए। बराबर बराबर और फिर हम वही खाना चालू कर दे तो फिर वो तो फिर वही होगा, सही बात है। नॉर्मल से एबनॉर्मल में ढाई आएगा। सौ से 400 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट कोई खाएगा तो डायबिटिक होगा। मैं कई बार बोलता हूं एक बार रिवर्स हो जाए तो 100 से 150 ग्राम के बीच में कार्बोहाइड्रेट लीजिए, कभी ऑकेजनली 200 ग्राम तक जाता है, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बता रहे थे कि आपका 150 ग्राम 200 ग्राम इतना ही रहता है ना, 150 ग्राम 200 ग्राम के जी आसपास जी आपका जी सर, जी कार्बन सर, लूज, तो इतना अगर रहता है तो सेफ रेंज रहता है। और वजन को एक डेजिग्नेटेड हाइट इन सेंटीमीटर के हिसाब से मेंटेन करेंगे तो मेरे हिसाब से दोबारा से आपके लाइफ में डायबिटीज नहीं आएगा। साथ में प्रोटीन और फैट ये भी सफिशियंट क्वांटिटी में लें, ऐसा ना करें कि पूरा लोड कार्बोहाइड्रेट पर डाल दें, फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फिर पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा, तो उससे इजीली बचा जा सकता है। आपकी तरफ से कुछ और मैसेज है तो दें। अरे इस बार मतलब मैसेज है सर, हाँ क्योंकि मतलब मेरे पास ही बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि अच्छा सर मतलब फ्रेंड, जो फ्रेंड सर्किल में जो भी इधर से उधर से जो भी बोले कि आप क्या नॉर्मल डाइट लेते हैं, मतलब कि नॉर्मल डाइट क्या होता है, नॉर्मल डाइट अब ले रहे हैं, पहले अब नॉर्मल ही था। सही बात और दूसरा चीज सर, इस सबको बोले कि देखो हर एक सिटी में अगर डॉक्टर संजीव अग्रवाल सर जैसा हो गया, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान डायबिटीज फ्री हो जाएगा। नहीं, बात बराबर है, परंतु क्या होता है लोगों का मीठे के प्रति जो लगाव है ना, आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अमेरिका में करीब 36% लोग ओबीज हैं, जी वो सब सर, जानते हैं, उसके बावजूद ओबीज हैं, और ऐसा हो रहा है कि 2030 तक वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 50% हो जाएंगे। तो
तो ये संख्या पॉसिबल है हमारे देश में भी बढ़े, तो इसको नॉलेज से मैसेज को फैला करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा आप जैसे लोगों से और बाकी के जो लोग हैं जो इस प्रोग्राम से लाभ उठाते हैं उनसे मेरा यही कहना होगा कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और अब तो कोर्सेज मात्र 3,500 रुपए से हमने शुरू किए हैं। अच्छा सर, और दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कह रहे हैं आपका डाइटिंग में तो बहुत खर्च लगता होगा, फ्रूट्स खाना है, ये खाना है, ड्राई फ्रूट लाना है, ये लाना है, वो लाना है। मैं बोला कि बिल्कुल खर्च नहीं होता, मेरे घर में जो पहले से रहता है उसी में हम जो कम कार्ब वाला डाइट को फॉलो करते हैं, हमारे घर में पहले से ही साग सब्जी रहता है, सब कुछ फ्रूट्स रहता है, अलग से हम कुछ खर्चा नहीं किया अपने डाइटिंग के लिए। सही बात। और उससे उससे ज्यादा तो पैथोल मतलब टेस्ट लैब वाला ले लेता है, डॉक्टर साहब ले लेते हैं कुछ, बाकी दवाइयां तो लेगा ही। सही बात है, डायबिटीज के मरीज का खर्चा ज्यादा हो जाता है। सही बात, सही बात। और वही मतलब मशीन को जैसे कि ग्लूकोमीटर से लगा के 10 से 15 का रीडिंग आता है, लेकिन कभी कभी ग्लूकोमीटर हाई भी रेंज दिखाता है। हाई भी तो हम ये और एक संदेश देंगे कि कम से कम 15-20 दिन में एक बार लैब से भी मैच कर ले ग्लूकोमीटर। सही बात, सही बात, ये बात बराबर। और बाकी सर आप जो बोले थे कि डायबिटीज पेशेंट को पैनिक नहीं होना चाहिए, बराबर, इतना आदमी घबरा जाता है कि मतलब वो क्या करे ना करे मतलब 10 जगह पहुंच जाता है और 10 जगह से गाइड मिसगाइड हो जाता है। बराबर बराबर। नहीं देखिए ऐसा बात सही है आपका कहना। अब जैसे आज संडे था तो संडे के दिन मैंने डायबिटीज के जो रिवर्सल कोर्स के पेशेंट्स हैं उन्हीं का ही मैंने आज पूरा सेशन लिया था। जी तो उसमें कम से कम 25 से 30 पेशेंट से मेरा बात हुआ, एक भी पेशेंट ने ये नहीं बोला कि उसको बेनिफिट नहीं मिला। और अब तो मैं इवन पेशेंट से बोलता हूँ आपको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, मोडी टाइप डायबिटीज है, पैनक्रियाज निकल गया है तो डायबिटीज है, कोई भी डायबिटीज हो आपको LDCF डाइट करने में बेनिफिट आएगा। टाइप 2 डायबिटीज है आप इवन रिवर्स भी उसको कर पाएंगे, और आप जैसे लोग उसके साक्षात सबूत हैं और आप लोगों के जो वक्तव्य हैं उनके सुनकर के डेफिनेटली लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगा। बोले और जैसे कि टाइप 1 का तो हमको नहीं पता, टाइप 1 तो हम सीधे मतलब हमको बोलते कि हमको नहीं पता, हम टाइप 2 वाले हैं तो कोई हमसे पूछ देता है तो हम बता देते हैं। सही बात। और नेक्स्ट जो बोलने वाले हैं सर, जैसे कि सबको आप पूछते हैं लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ सवाल सर, एक क्वेश्चन है कि सर आप कैसे इतना मैनेज करते हैं, आपका कभी कभी रात को 12-1 बजे तक भी मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे। अरे मेरा प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि मैं पूरे दिन इसमें बिजी रहता हूँ और मेरे को रात के 12 से लेकर के 2 बजे के बीच ही टाइम मिलता है कि मैं लोगों के आंसर कर पाता हूँ क्वेश्चंस। मेरे पास में टाइम नहीं निकलता क्योंकि अपने कंट्री में 8 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और उससे दुगने प्री डायबिटिक हैं। तो जैसे ही ये सोशल मीडिया पे फ्लैश होते हैं वीडियोस, मेरे पास में कॉल्स बहुत बढ़ जाते हैं, नंबर्स बहुत अधिक हैं। कई बार तो पहले तो मैं 1 या 2 दिन में आंसर कर देता लोगों की क्वेरीज का, अब मेरे को 5 दिन 7 दिन भी लग जाता है। तो दैट इज द रीजन कि मेरे को लेट नाइट के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि उस समय क्या कई इंटरनेशनल कॉल्स चल रहे होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के हो गए या मिडिल ईस्ट के हो गए, वो भी मैं लेट लेता हूँ, या फिर यूरोप वगैरह के हो गए, तो वो जब लेट चलते हैं तो बीच में बफर टाइम मिलता है, तो उसके अंदर फिर मैं मैसेजेस देख करके उनके आंसर करता हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरे आंसर लेट आते हैं, कई बार 2-2 बजे तक आते हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप 18 से 20 घंटा काम करते हैं सर, आप अपना हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं वो भी तो बताइए कभी। अभी मैं भी एक ही टाइम खाना खाता हूँ मैं 3 टाइम नहीं खाता, मैंने 3 से 2 टाइम किया, 2 से अब 1 टाइम कर दिया, नाउ आई एम हैप्पी। सदगुरु है ना, साउथ में एक सदगुरु है, हाँ 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 सुने उनका वीडियो देखे, ही इज आल्सो, उनका भी मैंने सुना ही इज हैविंग 1 meal a day, तो सबसे स्वस्थ है, स्वस्थ है और 40 साल से कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक ही मील लेता हूँ, 1 टाइम लेता हूँ, 2 घंटे का स्लॉट रखता हूँ, उसमें जो खाना है वो खाता हूँ, बाकी का फिर 20 से 22 घंटे का उपवास। तो चलो तो मेरे अच्छा लगा मेरे आपसे चर्चा दिमाग में करने। ये बात आया था
जी मेरे दिमाग में ये बात आया था कि सर से भी ये सवाल जरूर करके आप कैसे नहीं, मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत दुनिया को बढ़िया। भी तो पता चले जो 18-20 घंटा काम करते हैं वो भी अपने हाँ, लाइफ को कैसे मैनेज करते और हैं। उसमें वीकनेस जरा भी नहीं आता, वीकनेस जरा भी नहीं। जी 8-9 बजे सर, तक मेरा सब लंच डिनर डिनर जो है वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं अगले दिन सीधे 5 या 6 बजे या 7 बजे के बाद में मैं कुछ लेता हूँ। मॉर्निंग में खाली एक चाय लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, दैट्स इट। और वीकनेस जरा भी पूरे दिन नहीं आता, दिस इज फैक्ट। तो आप भी स्वस्थ रहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाते रहिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो लास्ट यही बोलूंगा सर, एक लास्ट बात है कि हाँ, डॉक्टर संजीव अग्रवाल के ऊपर आंख बंद करके चलिए, वो सही बात है। अंधेरे में भी आपको साथ देंगे, एकदम नहीं, 100% मेरी सच्चाई। और कैपेसिटी मेरा, में मैं जीते बेस्ट करूंगा, सही बात है। जीते जाकर सबूत हूँ। और आपका इसीलिए टाइमिंग पूछा कि सर आप इतना एक्टिव रहते हैं, रात को 12 बजे भी हमें से देखें, हम सुबह उठ के देखते हैं, बराबर अब है, देखते हैं कि 12 बजे का 1 बजे का हम सो जाते हैं लेकिन आप जगे रहते हैं, बराबर। पर मेरे पास में कई इसके लिए इंटरनेशनल थैंक कॉल आते हैं, उनको इंटरटेन करते पे मेरे को जगना ही पड़ता है उन लोगों के लिए। एनीवे, यू, बहुत इसके लिए अच्छा थैंक यू लगा। थैंक सर, बहुत बहुत यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका सर, जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। और सभी लोगों के लिए ये एक मैसेज है इनकी तरफ से, आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया, और पोस्ट रिवर्सल भी आपकी डाइट नॉर्मल रहेगी, आप हेल्दी फूड लें और अपने लाइफ को, अपने जीवन को स्वस्थ रखें। थैंक यू वेरी मच। और कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है सर, एनर्जी लॉस नहीं होता, वेरी कम ज्यादा खाने से एनर्जी कम होता है, कम सही खाने बात, से एनर्जी ज्यादा होता है। सही बात, सही बात है। फुल एनर्जी रहती है, कभी आलस, कोई नींद नहीं आती। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर।